छपरा से चलने वाली ट्रेनों का महर में होगा ठहराव। जी हां, नवरात्र पर होने वाले भीड़ को लेकर विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। लगातार रेलवे प्रशासन इन दिनों ज्यादा सतर्क हो गया है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार वो प्रयास करता रहता है। रेलवे प्रशासन पर नवरात्रि मेला पर श्रद्धालुओं की हो रही अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए 20 से 28 अक्टूबर 2023 तक निम्न एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रायोगिक आधार पर 5 मिनट के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के मैहर स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। इन ट्रेन के अतिरिक्त ठहराव से छपरा और आसपास के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। नवरात्र समाप्ति के साथ ही 28 अक्टूबर से ठहराव बंद हो जाएगा। जी हां, अब आपको ये भी बता दें कि कौन सी ट्रेनों का ठहराव हुआ है। सूरत से 20 से 27 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 19045 सूरत छपरा एक्सप्रेस महल स्टेशन पर 2:30 बजे पहुंचकर 2:35 पर प्रस्थान कर रही है। छपरा से 20 से 28 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 19046 छपरा सूरत एक्सप्रेस महल स्टेशन पर 22:50 यानी 10:50 पर पहुंचकर 22:55 यानी 10:55 पर प्रस्थान कर रही है। छपरा से 20 से 28 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 11060 छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 8:45 पर पहुंचकर 8:50 पर प्रस्थान कर रही है। चेन्नई सेंट्रल से 20 से 23 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 12669 चेन्नई सेंट्रल छपरा एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 20:45 यानी 8:45 बजे पहुंचकर 20:50 यानी 8:50 पर प्रस्थान कर रही है। छपरा से 20 से 25 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 12670 छपरा चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस मैहर स्टेशन पर 7:40 बजे पहुंचकर 7:45 बजे प्रस्थान कर रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 से 27 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस महल स्टेशन पर 3:15 बजे पहुंचकर 3:20 पर प्रस्थान कर रही है। गोरखपुर से 15 से 27 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 11056 गोरखपुर आपको बताते चले लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस महल स्टेशन पर 20:45 यानी 8:45 पर पहुंचकर 8:50 पर प्रस्थान कर रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14 से 26 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा एक्सप्रेस महल स्टेशन पर 3:15 पर पहुंचकर 3:20 पर प्रस्थान कर रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया जो ट्रेन के बारे में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।